बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम सैयद कामरान अलीअज़ी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ मास्किंग इन प्योर टोनाटोमेटी। दिस इज़ अ मच इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन स्पेशल एजुकेशन एंड द एरिया ऑफ इन हियरिंग इम्पेयरमेंट फील्ड। और दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑफ एनी डिग्री ऑफ एनी प्रोग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल इन मास्टर एज वेल एज द बी एड ऑन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्किंग है क्या। डेफिनेशन: मास्किंग इज़ ए प्रोसीजर्स दैट इज़ यूज वाइल टेस्टिंग टू सेपरेट द टू ईयर्स अकूस्टिकली। यानी वह ये बता यहाँ रहा है कि मास्किंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम दो कानों को जो आवाज़ें हैं उनको मिलने से, उनको जो आपस में उनको टेस्ट करने के लिए हम सेपरेट कर देते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ द बैटर मींस नॉन टेस्ट ईयर्स द हियरिंग टेस्ट टू गेट ट्रू थ्रेशोल्ड। और ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसमें हम नॉन टेस्ट ईयर को, जो कि हमारा बैटर ईयर होता है, उसमें उसको रिमूव कर देते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। किसके लिए? फॉर द हियरिंग टेस्ट के लिए, ताकि हमें जो है टेस्ट ईयर का जो है वो थ्रेशोल्ड जो है, ट्रू थ्रेशोल्ड जो है वो हमें मिल जाए। यहाँ पे एक बात और बता दी जाए कि थ्रेशोल्ड बेसिकली वो मिनिमम लेवल है जिस मिनिमम लेवल के ऊपर इंसान जो है वो सुनना या पेशेंट सुनना शुरू कर देता है। द मिनिमम लेवल एट विच वी हियर इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड। इन अदर वे मास्किंग इज़ द प्रोसीजर बाई विच द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग फॉर वन साउंड इज़ रेस्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ अनदर साउंड। कि मास्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को हम एक हियरिंग के लिए हम एक साउंड को दूसरी साउंड के से रेज कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। नॉइस इंट्रोड्यूस टू वन ईयर वाइल द अदर ईयर इज़ टेस्टेड विद ए ट्यून। और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये तरीक़ाकार है कि जो आपका नॉन टेस्ट ईयर होता है या बेटर ईयर होता है उसके अंदर हम नॉइस प्रोड्यूस कर देते हैं, और जो है और दूसरे ईयर के अंदर हम जो उसको टेस्ट कर लेते हैं विद ए ट्यून, उसको ट्यून के साथ जो है हम चेक कर लेते हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड लेवल क्या है। इसके साथ ये है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए विद द हेल्प ऑफ ऑडियोग्राम, तो कब हमें मास्किंग की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ ए बी जी, यानी डिफरेंस बिटवीन द एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन, ये दो पाथवे होते हैं हियरिंग असेसमेंट के मैकेनिज्म के। एक पाथवे एयर कंडक्शन है, जो एयर कंडक्शन पाथवे ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर आपके तीन कान के तीनों पार्ट जो हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर इन्वॉल्व होते हैं, और ये वाया हेडफोन होती है। और बोन कंडक्शन आपका मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें आप मैस्टॉइड बोन के ऊपर बोन वाइब्रेटर या बोन कंडक्टर लगाते हैं, और आपकी जो साउंड है वो आपके पहले दो पार्ट जो है ईयर के, आउटर ईयर और मिडल ईयर को बाईपास करके डायरेक्ट आपके इनर ईयर में जाती है, तो हम उसको बोन कंडक्शन कहते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस जो है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, जिसको एयर बोन गैप कहा जाता है ABG, इज़ ग्रेटर दैन 40 dB, देन द मास्किंग इज़ नीडेड। तो तब जो है वो हमें मास्किंग की ज़रूरत पड़ती है। और मास्किंग इज़ डन इन नॉन टेस्ट ईयर। मास्किंग हमेशा जो अच्छा कान होता है, बेटर ईयर होता है, यानी जिसका थ्रेशोल्ड लेवल कम होता है, हम उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। मास्किंग इज़ ए नॉइस, और यानी मास्किंग जो है वो बेसिकली एक नॉइस है जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरी वे में देखें, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच थ्रेश होल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी रेज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ एन अदर साउंड्स। और यानी ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम थ्रेश होल्ड, यानी ऑडिटेबिलिटी थ्रेश होल्ड, यानी वो जितना आपकी सुनने की इस्तात है, जिस लेवल पे आप सुन रहे हैं, उसको हम जो है वो रेज कर देते हैं बाई द प्रेजेंस ऑफ द एन अदर साउंड, यानी दूसरी साउंड के साथ जो है वो उसकी मौजूदगी में जो है हम उस बंदे का जो है वो थ्रेश होल्ड लेवल जो है वो चेक कर लेते हैं। वाई डू मास्किंग, मास्किंग हम करते क्यों हैं? इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मास्किंग, इन अदर वर्ड्स द फंक्शन ऑफ द मास्किंग, ठीक है जी। तो टू प्रिवेंट द नॉन टेस्ट ईयर, इसको NTE कहा जाता है, NTE फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट ईयर, यानी क्रॉस हियरिंग, यानी फर्स्ट फंक्शन इसका मास्किंग का ये है टू अवॉइड फ्रॉम द क्रॉस हियरिंग। यानी सपोज लेट बी कि आप बच्चे को टून जो है वो राइट ईयर में दे रहे हैं, बच्चा आपको कहता है हेडफोन्स के जरिए आप एयर कंडक्शन कर रहे हैं, तो आप बच्चे को टून राइट ईयर में दे रहे हैं और बच्चा आपको रिस्पॉन्स कर रहा है मुझे लेफ़्ट ईयर में आ रही है, मीन्स आपकी आवाज़ जो है वो क्रॉस हो रही है। तो हम इस क्रॉस हियरिंग को होने के लिए, उसे बचाने के लिए जो है हम वो मास्किंग करते हैं।
दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ बोन कंडक्शंस. बोन कंडक्शन भी नेसेसरी होती है. क्यों नेसेसरी होती है? आवर ईयर्स आर हाउस इन बोनी स्कल्स. हमारे जो कान है वो बेसिकली बोनी स्कल्स के दरमियान बने हुए हैं. विच वाइब्रेट्स बोथ कोकलिया विद साउंड इज प्रेजेंटेड एट ए सर्टन लेवल. और सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप जब वो कोकलिया जो है वो वाइब्रेट करते हैं. कब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं? दोनों कोकलिया, बोथ यूनिट टू, दोनों ये राइट ईयर का कोकलिया भी और लेफ्ट ईयर का कोकलिया भी. जब आपको साउंड जो है वो एक मैक्सिमम लेवल तक जो है वो उसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं, टून्स देते हैं, तो वो जो है वो बोथ कोकलिया जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. तो जिसकी वजह से जो है वो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं आते. इसकी इस सूरत से भी बचने के लिए हम जो है वो मास्किंग का सहारा लेते हैं. आगे देखते हैं जी, आप जो नॉइस हम यूज़ कर रहे होते हैं मास्किंग में वो किस तरह की होती है. नॉइस बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू द अनवांटेड साउंड. यानी ये एक इस ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको हम कोई लोग भी हमें हमें ज़रूरत नहीं होती इसकी. ए साउंड बिकम्स नॉइस व्हेन इट इंटरफेयर्स विद नॉर्मल एक्टिविटीज सच एज स्लीप और कन्वर्सेशंस. यानी साउंड उस वक्त नॉइस बन जाती है जब वो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो वो हमें तो जो है हम उसको नॉइस कह देते हैं. मिसाल के तौर पर आपकी स्लीप के अंदर या कन्वर्सेशन के अंदर आप सो रहे हैं, तो अगर आपको वो इंटरफेयर कर रही है तो वो आपके लिए नॉइस है. और आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी अगर वो आपको इंटरफेयर कर रही है तो देन भी वो साउंड जो है वो आपके लिए नॉइस है. ए नॉइस कैन बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट डिपेंडिंग अपॉन लिसनर्स एक्टिविटी. जो नॉइस है वो आपके लिए खुशगवार है या ना खुशगवार है, यानी आपको अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही, ये डिपेंड करता है लिसनर्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर कि लिसनर सुनने वाला जो है वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है और उसका एटीट्यूड क्या है एंड द पास्ट एक्सपीरियंस और वो किस मरहले में से गुजर रहा है, ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है. फिर उसके बाद कलर नॉइस होती है. कलर नॉइस ये वही चूज़ की जाती है जो कि हम मास्किंग के लिए आमतौर पर प्योर टोनाडोमिटी के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलर नॉइस. कलर नॉइस इज़ ए फिल्टर्ड नॉइस. यानी ये हमने इसको फिल्टर्ड किया हुआ होता है, नॉट ए प्योर नॉइस. प्योर नॉइस से मुराद यह है कि प्योरली नॉइस. जैसे मिसाल के तौर पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा प्योर टून से मुराद होता है सिंगल फ्रिक्वेंसी टून. यानी थ्री आउट पूरे एक मैकेनिज्म के अंदर एक ही तरह की टून यूज़ होगी. तो यानी मींस का अगर 250 हर्ट्ज की हम टून यूज़ कर रहे हैं तो 250 यानी थ्री आउट 250 हर्ट्ज होगी. और जितनी देर भी हम उसको आवाज़ को यूज़ करेंगे वो 250 हर्ट्ज ही होगी. यानी उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इज नॉट ए प्योर नॉइस. ये प्योर नॉइस नहीं होती. दिस इज़ यूजली यूज फॉर मास्किंग रिलैक्सेशंस टू इन्हांस द फोकस एंड इट हेल्प्स इन साउंड स्लीप. यानी ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिनमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद कलर ऑफ टाइप्स ऑफ कलर नॉइस होते हैं. यानी कलर नॉइस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं. इनको वाइट नॉइस है, पिंक नॉइस है, ब्लू नॉइस है, ब्राउन नॉइस है, रेड नॉइस है एंड वॉयलेट नॉइस है. इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इनको डिटेल में सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे. बात है जी आपके पास बैंड्स इन मास्किंग. दो तरह के बैंड्स होते हैं. बैंड सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंड्स क्या चीज़ है. ए कंटिन्यूस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन टू लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज. दो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो एक फ्रीक्वेंसी की कंटिन्यूस रेंज चल रही होती है हम उसको बैंड्स बोलते हैं. और ये दो तरह के बैंड्स होते हैं, नैरो बैंड एंड वाइड बैंड या ब्रॉड बैंड. नैरो बैंड क्या है? इट प्रोवाइड्स ए बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कंटेन्स द प्योर टून्स. यानी ये आपको फ्रीक्वेंसीज की बैंड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं जब हम प्योर टून को यूज़ कर रहे होते हैं. और वाइड बैंड नॉइस क्या होता है? ये ब्रॉड बैंड नॉइस, नॉइस हूज एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड सेक्शन ऑफ द ऑडिबल रेंज एज अपोज टू द नैरो बैंड नॉइस. तो हम उसको जो है वाइड बैंड नॉइस हम यूज़ करते हैं. और आमतौर पर हम जो एयर कंडक्शन के अंदर या हमारा जो ऑडियोमीटी प्योर टून ऑडियोमीटी के अंदर यूज़ कर रहे थे वो नैरो बैंड टून जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद ये जी प्लेसमेंट ऑफ़ द हेडफोन्स हैं. जब आप अगर आपने एयर कंडक्शन कर रहे हैं तो आपकी प्लेसमेंट ऑफ़ द हेडफोन्स कैसे होंगे, ये आपको डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर जो है प्लेसमेंट ऑफ़ द हेडफोन्स को जो है वो प्रोमिनेंट किया गया है. उसके बाद जी हम जब आगे मास्किंग रूल्स फॉर बोन कंडक्शंस. वैन देर इज़ ए 15 dB आर मोर डिफरेंस बिटवीन एयर कंडक्शन थ्रेश होल्ड एंड बोन कंडक्शन थ्रेश होल्ड ऑफ द सेम ईयर. कि जब आपके एक ही कान के ऊपर AC और BC का डिफरेंस जो है 15 dB या इससे ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त हम BC को मास्क करते हैं.
यानी यहाँ पे मज़ीद क्लियर क्लैरिफाई करता जाऊँ कि हमारी जो मास्किंग है वो दोनों तरीक़ों से होती है, एयर कंडक्शन भी मास्क होती है और बोन कंडक्शन भी मास्क होती है। बोन कंडक्शन उस वक्त मास्क होगी जब सेम ईयर में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन यानी ABG जो है, एयर बोन गैप जो है, अगर वो 15 dB या इससे ज़्यादा हो जाए तो हम BC को मास्क करते हैं। और BC मास्क कैसे होती है हम यहाँ से देखते हैं। प्रोसीजर फॉर BC मास्किंग, स्टार्ट मास्किंग लेवल एट 10 dB देन द नॉन टेस्ट ईयर एयर कंडक्शन थ्रेश होल्ड, यानी जितना उस नॉन टेस्ट ईयर का एयर कंडक्शन का थ्रेश होल्ड है उसमें हम 10 dB ऐड करके, एयर कंडक्शन के लिए था 15 से 20 dB और इसके लिए जो बोन कंडक्शन है इसके लिए हम जो है वो 10 dB जो है वो ऐड करके तो उसमें हम जो वो नॉइस प्रोड्यूस कर देते हैं नॉन टेस्ट ईयर के अंदर। ये आपकी प्लेसमेंट ऑफ द हेडफोन्स एंड बोन वाइब्रेटर है। अगर आपने बोन कंडक्शन करनी है तो हम इस तरह कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि बोन कंडक्शन में भी अगर आपने मास्किंग करनी है तो आपके हेडफोन्स ही यूज़ होंगे, क्योंकि बोन कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ एक बोन कंडक्टर लगा हुआ होता है और वो आपकी मैस्टॉइड बोन या ये आप फोरहेड के ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके डिफरेंट साइंस आपके ऑडियोग्राम के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके बाद ये हुड मास्किंग प्लेट्यू मेथड है, यानी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए जो है हम यानी ये प्रोसीजर है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द नॉइस अबव एयर कंडक्शन थ्रेश होल्ड ऑफ द नॉन टेस्ट ईयर, यानी जब भी आपने स्टार्ट करना है वो थ्रेश होल्ड लेवल से जो है ज़्यादा जो है नॉन टेस्ट ईयर का जो थ्रेश होल्ड लेवल है उससे उसकी रेंज से ज़्यादा से जो हमने स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप एयर कंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपने 15 dB से 20 dB ऐड अप कर लेना है, और अगर बोन कंडक्शन आप कर रहे हैं तो बोन कंडक्शन मास्किंग कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो 10 dB उसके अंदर ऐड अप कर देंगे। विद द नॉइस इन द नॉन टेस्ट ईयर, नॉन टेस्ट ईयर के अंदर हम नॉइस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, प्रेजेंट द टून इन द टेस्ट ईयर, और टेस्ट ईयर के अंदर जो है जिस कान को हम चेक करने जा रहे हैं उसमें हम टून इंसर्ट करेंगे एट थ्रेश होल्ड लेवल के ऊपर। इफ़ द पेशेंट हियर द टून, अगर तो जो पेशेंट है वो टून को सुन लेता है, इंक्रीज़ द मास्किंग टून, तो हम मास्किंग टून इंक्रीज़ कर देंगे इन नॉन टेस्ट ईयर बाई 5 dB, यानी मीन्स कि आपने बच्चे को नॉन टेस्ट ईयर के अंदर नॉइस दे दी है और जो आपका टेस्ट ईयर है उसमें आपने उसके थ्रेश होल्ड के बराबर उसको टून दे देनी है। अगर वो बच्चा टून को सुन लेता है तो हम क्या करेंगे, उसके जो मास्किंग वाला कान है उसकी टून को 5 dB इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर बच्चा टून नहीं सुनता, अगर वो बच्चा रिस्पांस नहीं टून पे रिस्पांस नहीं करता तो हम इंक्रीज़ द टून इन द टेस्ट ईयर, तो टेस्ट ईयर के अंदर हम टून्स को जो है इंक्रीज़ करते जाएंगे तब तक अनटिल द पेशेंट रिस्पॉन्ड, जब तक जो है वो पेशेंट जवाब ना दे दे। आफ्टर द पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द टून विद 3 consecutives, यानी 3 consecutive पे हम उसका रिस्पांस लेंगे, 5 dB इंक्रीज़ ऑफ द नॉइस इन द नॉन टेस्ट ईयर, और 5 dB जो है वो इंक्रीज़ हम करेंगे इन नॉन टेस्ट ईयर में। यू हैव अचीव योर प्लेट्यू, इससे आपका प्लेट्यू आप अचीव कर लेते हैं, एंड द पेशेंट मास्क थ्रेश होल्ड कैन बी रिकॉर्डेड, तो फिर इस तरह जो है वो पेशेंट का जो मास्किंग का जो रिकॉर्ड लेवल है, मास्किंग थ्रेश होल्ड है, मास्क थ्रेश होल्ड है, वो हमें फाइंड आउट हो जाती है, और इस तरह जो है वो हम जो प्रोसीजर है वो अपना बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं जी। एंड थैंक यू वेरी मच।